मुंबई में श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया। लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की। आरोपी ने महिला के कई टुकड़े किए। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अभी तक हत्या की तारीख पता नहीं चल पाई। जीवा हत्याकांड में घायलों का हाल जाने पहुंचे सीएम योगी। गोलीकांड में घायल बच्ची से सीएम योगी ने की मुलाकात। कल गोलीकांड में घायल हुई थी बच्ची। ट्रॉमा सेंटर पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी ने घायल बच्ची को चॉकलेट दी। पुलिसकर्मी से भी की मुलाकात। मिलकर जाना हालचाल। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की एसआईटी ने शुरू की जांच। यूपी के सभी जिला अदालतों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सरेआम लखनऊ कोर्ट के अंदर मारी थी गोली। बुधवार देर रात घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम। सीएम योगी के निर्देश पर गठित हुई थी 3 सदस्यीय जांच टीम। पुलिस ने जौनपुर के रहने वाले आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार किया। वकील के ड्रेस में आया था शूटर। मुख्तार गैंग का खास शूटर संजीव जीवा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी था शामिल। संजीव हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती। सवाल ये नहीं कि कौन मारा गया, सवाल ये कि कहां मारा जा रहा। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये कि किस स्थान पर मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ कोर्ट में हुई हत्या को लेकर योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, यूपी में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बेकौफ अपराधी कहीं भी हत्या कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन। एलजी और सीएम केजरीवाल ने मिलकर किया उद्घाटन। दिल्ली सरकार और एलजी के तकरार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आईपी कैंपस पहुंचकर उन्होंने उद्घाटन किया। 388 करोड़ की लागत से 19 एकड़ में बना है ये कैंपस। कैंपस में 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। आईपी के पूर्व कैंपस में 2400 विद्यार्थियों को मिल सकेगी बेहतर शिक्षा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव। 6.5% ही रहेगी रेपो रेट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, अर्थव्यवस्था में मजबूती कायम है। महंगाई दर में कमी के चलते नहीं किया बदलाव। क्रेडिट ग्रोथ में जोरदार तेजी आई। बच्चे को निकालने का प्रयास पिछले 16 घंटों से जारी है। पीड़ित परिवार सहित भारी भीड़ पुल के पास मौजूद। जेसीबी की मदद से ब्रिज के एक हिस्से को तोड़कर मासूम को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन से घर से लापता था मासूम बच्चा। सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। सेना और एनडीआरएफ के जरिए चलाया जा रहा बचाव अभियान। मासूम सृष्टि तक पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। बोरवेल में 100 फीट पर जाकर फंसी है मासूम सृष्टि। 45 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मौके पर प्रशासन और मेडिकल की टीमें तैनात। 6 जून को खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी सृष्टि। परिजनों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन जारी है। हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू। कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में 2 FIR दर्ज की। दोनों FIR में कुल 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के जींद में आज आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा यात्रा। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की जमीन मजबूत करने की मुहिम में जुटे केजरीवाल। दिल्ली मॉडल के दम पर सरकार बनाने के प्रयास में केजरीवाल। विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में 23 जून को होने वाली बैठक पर बोले संजय राउत। कहा, 23 जून को पटना में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता रहेंगे मौजूद। नीतीश कुमार के जरिए बुलाई बैठक में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर बोले एस जयशंकर। कहा, आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव भी तेज होगा। एस जयशंकर ने कहा, कोविड के दौरान बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हम कोविड के दौरान दुनिया भर में फंसे हुए कम से कम 70 लाख लोगों को वापस लाए। अमेरिका में राहुल के बयान पर बोले एस जयशंकर। कहा, राहुल की आदत है जब वो बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुचिरा बैनर्जी की आज फिर ईडी में पेशी। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने रुचिरा को पूछताछ के लिए बुलाया। 2 दिन पहले दुबई जाने के प्रयास में रुचिरा को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद रुचिरा की विदेश यात्रा पर पाबंदी है। जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनकर तैयार। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। 62 एकड़ में बने इस मंदिर को बनाने में करीब 25 करोड़ की लागत आई। मंदिर निर्माण कार्य 2 साल में पूरा हुआ।
चेन्नई में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समुद्र तट पर चलाया सफाई अभियान। विश्व महासागर दिवस के मौके पर सफाई अभियान चलाया गया। गंभीर रूप ले रहा चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय का मंडराया खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान के गुजरात को प्रभावित करने के आसार हैं। बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं। उत्तर की ओर बढ़ रहे तूफान की वजह से राज्य के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। अमृतसर सीमा के पास नजर आए पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। नोएडा में बच्चे को किडनैप कर 2.5 लाख की फिरौती की मांग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद किया। बच्चे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही चचेरा भाई था। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़। कार से आए युवकों ने लड़कियों को अगवा करने की कोशिश की। एक शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एलपीजी से भरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। गैस फैक्ट्री के अंदर रैक खाली करने के दौरान डिब्बे पटरी से उतरे। मध्य प्रदेश के बैतूल में पटरी से उतरी मालगाड़ी। नागपुर इटारसी ट्रैक 2.5 घंटे तक बंद रहा। बैतूल में तीसरी लाइन पर ट्रैफिक बढ़ने से ट्रेन लेट। रूस के मगदान में फंसे एयर इंडिया के 216 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स को लाने के लिए दूसरा विमान रवाना। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे विमान के इंजन में खराबी की वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग। चीन के रक्षा मंत्री ने भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी है। सिंगापुर में एक सम्मेलन के दौरान चीनी रक्षा मंत्री ने कहा भारत सैन्य तौर पर हमारे लिए चुनौती नहीं क्योंकि उसकी सेना हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस के लिए पाकिस्तान ने जारी किया 215 वीजा। आज से 17 जून तक पाकिस्तान में अर्जुन देव शहीदी दिवस मनाया जा रहा। लाहौर में 9 मई को जिन्ना हाउस हमला मामले में खादिजा शाह की गिरफ्तारी का अमेरिका ने संज्ञान लिया। अमेरिकी प्रशासन ने शहबाज शरीफ सरकार से खादिजा को वकील मुहैया कराने के लिए कहा। बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट गहरा गया है। आर्थिक तंगी की वजह से देश में बिजली संकट बढ़ता जा रहा। डब्ल्यूटीसी फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 327 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 146 रन की पारी खेली। स्मिथ 95 पर नाबाद। ट्रेविस हेड और स्मिथ ने चौथे विकेट के लिए 251 रन की पार्टनरशिप की। ऑस्ट्रेलिया के 73 रनों पर गिर गए थे 3 विकेट। भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी सिराज और शार्दुल ने 1-1 विकेट लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते जाएंगे चीन। अमेरिका ने ब्लिंकन की यात्रा पर कहा यहां नाजुक रिश्ते में एक मील का पत्थर ये साबित हो। तुर्की में राष्ट्रपति की तस्वीर पर किशोर ने बना दी मूछें। 16 साल के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। रूस के सहयोगी बेलारूस को यूएनएससी के इलेक्शन में मिली करारी हार। 193 सदस्यीय महासभा में बेलारूस के 38 वोटों के मुकाबले पूर्वी यूरोप ने 153 वोटों से जीत हासिल की। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में दिखा ऑरेंज रंग का घड़ियाल। इसे देखने के लिए नेपाल के नेशनल पार्क में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।